नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चल रही हूँ, मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी मशरूम का दाल। ये मसूर बोला जाता है जो, तो हमारे यहाँ मशरूम उसको बोलते हैं, वो सब्जी वाला नहीं दोस्तों, मसूर का दाल। और यहाँ पर सभी बैठे हैं, नमस्ते कर दो। और मैं यहाँ से अच्छा, तो ये सब घूम घुमा के वही बात कह देती हैं दोस्तों, इसलिए माफ करना। अभी अंजलि का खत्म भी नहीं हुआ, गुंजन भी दो बार की है, शीतल तो नहीं की है, एक बार ही की है। तो हम सब सेम की यहाँ ये तोड़ाई कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पीस में। और ये जो सेम हमने लगाए हैं अपने किचन गार्डन में, वहीं का ये सेम है। तो लेकर आई हूँ मैं सब्जी बनाऊंगी सेम की और दाल बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यही मसूर है, तो इसको मैं बोल दी थी मशरूम, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ये मसूर की दाल है, तो मैं यही बनाने जा रही हूँ। और ये सेम की सब्जी, तो पहले मैं दाल को धुल लूंगी और साफ से इसको दो तीन बार। तो हम इसको दो बार धुल लिए हैं और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी को। तो मैं दाल को डाल देती हूँ और ये कुकर में पानी रख दिया है दाल के अनुसार। तो हम दाल को ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। तो हम दाल के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें। तो हम मिक्स मसाला डाल देते हैं इसमें, जो हर दिन सब्जी में डालते हैं वही मसाला है। तो हम आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। तो हम दाल को या कुकर को ढक्कन लगा देते हैं, गैस को जला दिए हैं। तो हम कढ़ाई में रोटी को सेके थे तेल डाल के, ये अंजलि बोली थी, तो इसीलिए कढ़ाई में पहले से तेल लगा हुआ है। तो हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तो हम मिर्ची को काट लिए थे, हरा मिर्चा था लाल हो गया रखे से, और इसमें लहसुन है और प्याज का तड़का है। तो मैं डाल देती हूँ तेल में, और यहाँ दाल के लिए मैं लहसुन की को छील लेती हूँ। तो तड़का हमारा अभी भून रहा है, तब तक मैं यहाँ लहसुन छील लेती हूँ दाल के लिए। तो तड़का हमारा भून चुका है, इसमें डाल देते हैं तेल को, और मैं जल भी गई, हाथ में आ गया तेल। तो मैं डाल देती हूँ सब्जी को। तो हम इसको तेल में इसी तरह फ्राई कर लेंगे, और हम केला मतलब तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम सेम को फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं ये पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, तो हम वही मिक्स मसाला डालेंगे। तो ये आधा चम्मच के बराबर है, थोड़ा ही मसाला हल्का डाल रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा गरम मसाला डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। तो हम दाल बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सब्जी बनाए हैं, क्योंकि बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे, आज दाल ही खाएंगे सभी लोग। तो हम इसमें थोड़ा सा सेम के सब्जी में थोड़ा पानी डाल देते हैं। सब्जी को ढककर पका लेंगे, धीमी आंच में ही पकाएंगे।
तो हम कुकर को पहले इसमें से हवा निकाल लेते हैं, फिर खोलते हैं कुकर को। तो अभी भी नहीं खुल रहा है। तो आप देख सकते हैं दाल पूरी तरह से बन चुका है। तो इधर मैं करछुल में तड़का लगाने जा रही हूँ। तो मैं इधर करछुल में तेल डाल दी हूँ और लहसुन ली हूँ, तो फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं करछुल में ये लहसुन को फ्राई कर ली हूँ अच्छी तरह से। अब दाल को तड़क देती हूँ और इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो हम चावल पहले से बना के रखे थे और दाल बन चुका है, सब्जी भी बन गया है। गैस को बंद कर दिए हैं और यहाँ सब खाने जा रहे हैं। तो के सब्जी खाई, के दाल खाई। तो आज सब्जी किसी को नहीं खाना है, आज सभी को दाल ही खाना है। और रोटी के खाई? हम रोटी खाई। रोटी खाबो? तो गुंजन रोटी नहीं खाएगी, दाल चावल खाएगी। तो खाएगी। तो सभी मामा मौसी को बोल दो आकर खाने को बोलना चाहिए। तुम सब शुरू हो जाती हाँ। तो मैं दाल रोटी नहीं खाएगी। रोटी नहीं खाएगी, दलिया गिर जाता है। अच्छा, दाल और चावल और रोटी बना के तैयार कर दी हूँ। और यहाँ मक्खी काफी आ गई हैं, ये गर्मी के मौसम में इसी तरह रहती हैं। तो यहाँ सभी खा रहे हैं, सभी बच्चे। अंजलि, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो आज अच्छा बना है दाल? तो, अच्छा बना है। हाँ, तो इन लोग को आज दाल खाने को मिला है। और मक्खियाँ काफी यहाँ पर हैं, पता नहीं क्यों इस समय बहुत मक्खी आ गई हैं। ठंडी के मौसम में नहीं थी दोस्तों। तो अगर कोई उपाय होगा भगाने के लिए मक्खी तो जरूर बताना। और वहाँ अंजलि खा रही है, तो मक्खी उड़ा दो अंजलि हाथ से। तो शायद दूध आता है इस समय, ये दूध के वजह से भी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ शीतल खा रही है इधर। क्या हुआ अंजलि? तो अंजलि का चालू हो गया, थोड़ा तीखा लग गया अंजलि को। और इसमें देखे होंगे दोस्तों, हम ज्यादा मिर्चे भी नहीं डाले थे दाल में, लहसुन का तड़का दिए थे। और वो जो रोज सिंपल वाला मसाला होता है वही मैं डालती हूँ, उसमें मिर्चे का मात्रा कम होता है। लेकिन पता नहीं ये क्या करने लगती है। पानी दे दो गुंजन, गिलास में दे दो। तो हम इन सबके यहाँ पर पानी नहीं रखते हैं सामने, क्योंकि ये सब अपने ऊपर गिरा लेंगे। तो वैसे बाल्टी से निकाल के पानी आसानी से पी लेंगे ये सब। मक्खियाँ उड़ाया करो अंजलि। सभी मामा मौसी को नमस्कार। तो हम खा चुके हैं, तो ये सब खा चुके हैं और थोड़ा बाकी है। अंजलि भी नहीं खा रही है और शायद ये खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, है ना अंजलि? तो आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं काफी दिनों के बाद दाल बनाई हूँ। और हमारा वीडियो दोस्तों शुरू से अंत तक प्लीज जरूर देखना। और अंजलि सीधा देखो, तो अभी ये हाथ धुल रही है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो चांदनी कुछ बोलो, अभी खा रही है ये। तो यहाँ अंजलि खुद से हाथ धुल रही हैं, आप देख सकते हैं मुंह भी धुल रही हैं। और अभी मैं इनका हाथ पैर धुलाऊंगी खाने के बाद में। तो अपने से तो ऐसे धुल ली हैं।
तो नमस्ते कर दो, हाय टाटा कर दो, वीडियो को बंद किया जाए। हाँ तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर बोलने में भी गलती होगा तो माफ करना। नमस्ते दोस्तों, हाय टाटा।